वहाँ पे 11 12 अगस्त को सारी मीडिया ये बात कर रही थी कि 70 बच्चे मर गए, डॉक्टर कफील हीरो हैं। वो जो योगी जी की मीटिंग के बाद जो नैरेटिव चेंज हुआ, वो सिर्फ डॉक्टर कफील की बात होने लगी। लोग भूल गए कि 70 बच्चे मरे हैं। मेरी जगह कोई और भी होता, कपिल चतुर्वेदी भी होता, तब भी योगी जी उसको फंसाते, क्योंकि उनको अपने लोगों को बचाना था कैसे भी करके। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। स्वागत है आपका भारत वॉइस में। 2 साल पहले गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से हुई बच्चों की मौत के बाद देश भर में एक हलचल मच गई थी। लोग सदमे में पड़े थे, लेकिन इसी बीच एक नाम सुर्खियों में आया था और वो नाम था डॉक्टर कफील का। डॉक्टर कफील बच्चों की मदद कर रहे थे, रोते बिलखते माँ बाप के का साथ देने के लिए जो भी संभव मदद हो सकती थी वो कर रहे थे, लेकिन उन पर ही कई सारे इल्ज़ाम लगा दिए गए। अब 2 साल बाद तमाम आरोप जो लगाए गए थे उससे उनको क्लीन चिट दे दी गई है। आज हमारे साथ डॉक्टर कफील हैं। कफील साहब, क्या कहेंगे आप? खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, और पूरी फैमिली बहुत खुश है। एक तरह से समझ लीजिए जो 2 साल का जो बहुत स्ट्रगल था, बहुत गंदा पीरियड कहा जाता है, जिसमें हम लोग जो है 100-100 रुपए के लिए मोहताज हो गए, और पूरी फैमिली, इज़ नॉट मी ओनली, होल फैमिली है सफ़र्ड, सब ने पेन सहा है। उससे निकल के एक कहते हैं ना, पर लड़ाई अभी जारी है। मुझे पता है कि योगी जी इस रिपोर्ट का क्या करेंगे और उसके बाद वो उस पर क्या एक्शन लेते हैं, पर इस लड़ाई में, छोटी छोटी लड़ाई में छोटी छोटी जो है ये जीत जो होती है, खुशी का झोंका। क्या रिपोर्ट आई है, आप खुद से एक्सप्लेन करके मुझे बताइए। ये है क्या कहा गया है? ये इंक्वायरी कमेटी जो है, खुद योगी जी ने 22 अगस्त 2018 को सेटअप की थी। हिमांशु कुमार जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके अंडर इस रिपोर्ट को बहुत दिनों तक ये लोग जो है कोई कार्रवाई नहीं की इस कमेटी ने। फिर मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 7 मार्च 2019 को योगी गवर्नमेंट को ऑर्डर किया कि 90 दिन के अंदर इस इंक्वायरी को फिनिश किया जाए और रिपोर्ट दी जाए। तो आप ये देखिए, रिपोर्ट पास हुई है कब, 18 अप्रैल को। तो 18 अप्रैल को ही सबमिट कर दी थी, पर मुझे लगता है कि लोकसभा का चुनाव था और वो चाहते नहीं थे कि मोदी जी को कोई एम्बरेसमेंट हो, योगी जी, तो उन्होंने इस रिपोर्ट को दबा के रखा और अब दिया गया है। इस रिपोर्ट में ये साफ कहा गया है कि डॉक्टर कफील जो है उस दिन 10 तारीख को छुट्टी पे थे। डॉक्टर कफील ने उन 2 दिनों में अपनी पूरी टीम की मदद से 500 सिलेंडर्स का अरेंजमेंट किया, और इन्होंने लिखा है कि हर संभव, हर निर्दोष की जान को बचाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। डॉक्टर कफील के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप सबूत नहीं मिलते हैं। डॉक्टर कफील के ऊपर कोई मेडिकल निग्लिजेंस नहीं मिलता है। डॉक्टर कफील 100 वार्ड के सुपरिटेंडेंट नहीं थे। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जो इन्होंने आरोप संख्या 3 में लिखा है कि बलहीन और असंगत है सारे आरोप, यानी कि विदाउट एनी सब्सटेंस और विदाउट एनी बेस, फे शैलो और फिक्शियस आरोप लगाए गए। इससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक योगी जी की कमेटी के द्वारा ये बात मान ली गई है कि उस दिन ऑक्सीजन की कमी हुई थी, उस दिन सिलेंडर्स लाए गए थे, उस दिन बच्चे मरे थे। लेकिन इस रिपोर्ट में एक और भी खास बात है जो शायद पढ़ने पर समझ ना आए कि कोई वो है ही नहीं। अगर ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो क्यों हुई थी, किसने पेमेंट नहीं दिया, कौन है असली गुनाहगार, इन सब बातों पे कोई कमेंट नहीं किया गया है। उस टाइम में जब ये हादसा हुआ था, उसके बाद आपके कौन कौन से, किस तरह की जांच और सब की गई थी, क्या ये एक फाइनल रिपोर्ट इसको माना जाए? हाँ, ये हमारी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, और ये मेरी अकेले नहीं, उन 8 लोगों की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई, और 3 लोगों की रिपोर्ट आ चुकी है, डॉक्टर राजीव मिश्रा सर की जो प्रिंसिपल थे और डॉक्टर सतीश कुमार सर की। उनकी रिपोर्ट के बारे में तो वही बता सकते हैं, पर मैं अपनी रिपोर्ट को डिस्कस कर सकता हूं। मेरे ख्याल से जो है जस्टिस तब तक नहीं मिलेगा तब तक जो रियल कल्पिट्स हैं, जो रियल गुनहगार हैं, उनको इन्वेस्टिगेट ना किया जाए और उनकी जांच ना हो।
ये तो दुनिया को पर्दा डालने के लिए बार बार योगी जी कहते हैं ना आपसी कमी हुई ना बच्चों की मौत हुई। पर मैं बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में योगी जी के गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट दिया हुआ है जिसमें ये बात मानी है कि उस दिन ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, लिक्विड ऑक्सीजन की, और जंबो सिलेंडर से बच्चों को बचाने की कोशिश की गई, पर यह नहीं बताया कि जंबो सिलेंडर लाया कौन था। अब इससे बात आ गई है। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल 2018 को डबल बेंच ने ये ऑर्डर दिया है राजीव मिश्रा सर के बेल रिजेक्शन के वक्त कि टाइम पे पेमेंट ना होने की वजह से लिक्विड ऑक्सीजन बंद हो गई और बहुत से बच्चों की मौत हो गई। 70 बच्चों के पेरेंट्स आज भी रो रहे हैं, जस्टिस के लिए तड़प रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को अब ये रिपोर्ट आने के बाद पब्लिकली ये मानना चाहिए कि उनसे गलती हुई है और उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को कंपनसेशन देना चाहिए। यानी आपको ये कहना है कि आपको ये क्लीन चिट मिली, लेकिन आप चाहते हैं कि जो लोग इसके लिए कसूरवार थे उनको सज़ा मिले, तभी ये इंसाफ होगा, ये कहना? जी हाँ, मेरी तीन डिमांड है इस इंक्वायरी की। भाई मुझे मेरी इज्जत वापस करो, जो मुझे मर्डर कातिल इनफेमस डॉक्टर कफील बनाया गया था, बहरा जिन्हें बनाया था उनको भी आंसर मिल गया होगा। इसके अलावा जो रियल कल्पिट है उनका इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई इंक्वायरी हो, या फिर इंडिपेंडेंट जुडिशियल से इंक्वायरी, लेकिन यूपी से बाहर, क्योंकि वो फिर से वो कुछ गंदा खेल खेलेंगे और अपने लोगों को बचाएंगे, और उन 70 बच्चों को कंपनसेशन दिया जाए। कि मेरी जगह कोई और भी होता, कपिल चतुर्वेदी भी होता, तब भी योगी जी उसको फंसाते, क्योंकि उनको अपने लोगों को बचाना था कैसे भी करके, ध्यान हटाना था। बस मेरे साथ ये कहता कि जब मेरा नाम जुड़ा तो लोग भूल गए उनको, जैसे लोगों को मज़ा मिल गया अपने आपस में। चूँकि देखिए, इट्स नॉट अबाउट दिस इंसिडेंट, मोदी जी की बात छोड़े तो 1925 से जब से आरएसएस आया हुआ है, इतना जहर खोल दिया है इंसान और इंसान जो है उसको आपस में डिवाइड कर दिया है, कि लोग जो है खुद ही आपस में बैठ गए। कुछ लोग योगी योगी करने लगे, कुछ लोग डॉक्टर कफील करने लगे। मैं जब उस रात गया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था ये हिंदू का बच्चा है, ये मुसलमान का बच्चा है, ये गरीब का बच्चा है, ये अमीर का बच्चा है, इसको बचाओ उसको नहीं बचाओ, कुछ नहीं था दिमाग में। वहाँ पे 11-12 अगस्त को सारी मीडिया ये बात कर रही थी कि 70 बच्चे मर गए, डॉक्टर कफील हीरो हैं, पेमेंट की कमी थी, इन लोगों ने पेमेंट नहीं किया, सिद्धार्थनाथ सिंह ने अगस्त में मौतें होते रहती हैं स्टेटमेंट दिया, योगी जी इस्तीफा दो, ये बातें हो रही थी। लेकिन वो जो योगी जी की मीटिंग के बाद जो नैरेटिव चेंज हुआ, वो सिर्फ डॉक्टर कफील की बात होने लगी। लोग भूल गए कि डॉक्टर 70 बच्चे मरे हैं, लोग भूल गए कि पेमेंट नहीं हो, पेमेंट भी होना था, लोग भूल गए कि हेल्थ मिनिस्ट्री जिम्मेदार है। तो जो चाल उन्होंने खेलनी थी कि ध्यान हटा दें उन 70 बच्चों की मौतों से, वो उसमें सफल थे। 10 अगस्त की वो रात है जब मैं सोने जा रहे थे हम लोग, और एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि बीआरडी के आईसीयू में जो है एनआईसीयू में लिक्विड ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है और जो सिलेंडर्स रखे हुए थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। और मैं जब उस रात पहुंचा था तो दूर से ही बच्चों के रोने, मतलब पेरेंट्स के रोने की आवाज़ आ रही थी। एक क्योस था, एक हाहाकार था, और हर माँ पैर पकड़ के रो रही थी कि मेरे बच्चों को बचा लो, पर हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। हम सिलेंडर्स लाते थे वो ख़त्म हो जाते थे, फिर लाते थे फिर ख़त्म हो जाते थे। ऑक्सीजन भी एक दवा है, ऑक्सीजन इज़ आल्सो अ मेडिसिन और लाइफ सेविंग मेडिसिन है। उस रात जो है 53 बच्चे वेंटिलेटर पे थे। वेंटिलेटर की मशीन होती है, जब आपकी सांस सही से नहीं ले जाती, जब आपके दिल की धड़कनें बंद होने लगती है, तो ये मशीन जो है आर्टिफिशियल लंग की तरह काम करती है। उस वक्त 53 बच्चे थे, और जब सिलेंडर ऑक्सीजन ख़त्म हो गई तो वो तिरपनों वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे थे। हमने बहुत कोशिश की कि अम्बू बैग जो होता है, अम्बू बैग एक मैनुअल पंप होता है, वो एयर की ऑक्सीजन को बच्चे की लंग में डालता है, उससे कोशिश करें, पर हमारे पास सिर्फ 16 डॉक्टर्स थे। हमने पेरेंट्स को भी दिया अम्बू करने को, पर उनको करना नहीं आता था, वो जानते ही नहीं थे कैसे करते हैं, और बच्चे मरते रहे। हम सिलेंडर्स लाते थे पर वो ख़त्म हो जाते थे। 400 बच्चों में से 70 बच्चों को फिर भी हम बचा नहीं पाए।
11-12 तक तो मीडिया ने मुझे हीरो मसीहा फरिश्ता बनाया, पर 13 तारीख को जब योगी जी आते हैं और उन्होंने सो कॉल की कौन है डॉक्टर कफील, तू है डॉक्टर कफील, तू सिलेंडर लाया था, तू सिलेंडर ला के सोचता है तू हीरो बन जाएगा, देखता हूँ तुझे, उसके बाद ज़िंदगी ही चेंज हो गई। उस चार शब्दों ने शायद जो है पूरी ज़िंदगी चेंज कर दिया। FIR हुआ, घर वालों को सताया गया, जेल हो गई, 9 महीने जेल में टॉर्चर किया, कभी कभी टॉयलेट के पास बंद कर देते थे तो 12-12 घंटे सांस नहीं ले पाते थे। छोटी सी बच्ची थी, जब हम लोग पीडियाट्रिक्स करते थे, पीडियाट्रिक्स पढ़ते थे हम लोग, जब अपना ट्रेनिंग लेते थे तो उस वक्त टीचर्स कहते थे कि तुम माइलस्टोन यानी कि बच्चा कब चलेगा, कब बोलेगा, कब दौड़ेगा, वो तब सीखोगे जब तुम फादर बनोगे। जब मेरा टाइम आया वो सीखने का, जब मेरी बच्ची 10 महीने की थी तो मुझे जेल ले जाएगा, और जब मैं वापस आया तो वो दौड़ रही थी, वो चल रही थी, वो बात कर रही थी, वो पापा कहती थी लेकिन पापा का मतलब नहीं समझती थी। 29 अप्रैल की सुबह मुझे आज भी याद है, जब हम लोग सो के उठे थे और मुझे देख के वो चिल्लाने लगी थी, उसे वो रह रहा था कि आज कौन हमारे साथ सो रहा है। उसके बाद भी 2 साल बहुत अच्छा नहीं गुजरा है। भाई को गोली वहाँ मारी जहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी खुद मौजूद थे, 500 मीटर की दूरी पे। 2 स्कूटी सवार आते हैं, 4-4 गोलियाँ दाग के पब्लिक के सामने भाग जाते हैं। आई ऑलवेज कॉल्ड इट एज अ सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, पर कहते हैं ना कि जेल सबको स्ट्रांग बना देता है, और जेल में ही किसी ने कहा था कि डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो, हर बार एक नई ताकत से उठेंगे चाहे जितना भी छुपा लो। इसके बाद हमने देखा कि जेल से छूटने के बाद आप कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गए। ये अब दिखने लगा है, चूँकि अब लोग मुझे जानने लगे हैं तो दिखने लगा है। कैंप मैं पहले भी करता था, BRD में था तब भी करता था मैं संडे कैंप, अब थोड़ा खाली ज़्यादा हूँ तो ज़्यादा कैंप करता हूँ। हम लोगों ने 70 कैंप किए हैं अभी तक जब से जेल से बाहर आया हूँ, और करीब करीब 35,000 बच्चों को हम लोगों ने देखा है, मुफ्त दवाइयाँ दी हैं। बिहार का एक्सपीरियंस बहुत गंदा था, चमकी बीमारी से 300 बच्चों की जान चली गई। श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर का पूरे नॉर्थ बिहार का अकेला मेडिकल कॉलेज है, एक बड़े से हॉल में 100 बच्चों को ज़मीन पे ही बेड पे दो दो तीन तीन बच्चे लेटा के इलाज किया जा रहा था, जैसे जानवरों को रखा जाता है। हर एक 2 घंटे में बच्चे की मौत हो रही थी और किसी को कोई फ़र्क नहीं था। इसीलिए हमने ये हेल्थ फॉर ऑल कैंपेन चलाया है, और हेल्थ फॉर ऑल कैंपेन ये हमने हेल्थ एक्टिविस्ट की मदद के से बनाया है, और जो डेटा हमने मांगे थे मोदी गवर्नमेंट से वो तो नहीं मिले, हमने UN से, यूनिसेफ से, WHO से डेटा मंगाए, और बड़े ख़तरनाक डेटा है। 4.5 लाख लोग अभी भी ट्यूबरक्लोसिस से इंडिया में हर साल मर जा रहे हैं। जिस साल BRD में 70 बच्चों की मौत हुई थी, उस साल 8 लाख बच्चे इंडिया में मर गए थे। 8 लाख यानी हर घंटे पे 100 बच्चे मर रहे हैं। 50% बच्चे हमारे कुपोषित हैं। इंडिया जो है 3rd largest कंट्री बनता जा रहा है एड्स और HIV का, 2nd number का वर्ल्ड का डायबिटीज़ का बन गया है। 80% डॉक्टर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, शहरों में काम कर रहे हैं। गांवों पे एक डॉक्टर के ऊपर 51,000 लोगों की जिम्मेदारी है। जो मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री है यानी कि बाहर से विदेश से जो यहाँ पे इलाज कराने आते हैं, वो इंडस्ट्री $10 बिलियन की बनने गए जा रही है, यानी कि 60,000 करोड़ की। हमारी डिमांड जो है वो राइट टू हेल्थ केयर है, जो बाबा साहब ने हमारे संविधान में ये राइट टू हेल्थ केयर हमें दे के गए थे, उस पर हम चाहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो अपने विल से लेजिस्लेशन के थ्रू पार्लियामेंट में पास करके इसे एक्ट बनाए। जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, राइट टू एजुकेशन है, उसी तरह से राइट टू हेल्थ केयर।